आजकल हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस इस चीज से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पेट्रोल और डीजल के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपए में बिकता था वो अब 110 रुपए में बिकने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल को कैसे बनाया जाता है और क्यों ये इतना महंगा है? जानेंगे आज पेट्रोल और डीजल बनाने की पूरी कहानी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, वीडियो में पेट्रोल और डीजल निकालने का प्रोसेस जो आप देखेंगे उसे आपको पता लग सकता है कि इन्हें बनाना काफी आसान है, लेकिन जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इन्हें बनाने की प्रोसेस की वजह से ही पेट्रोल और डीजल इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में अरबों रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल और डीजल को सीधे जमीन से पंप करके निकाल लेती है और पंप पर पहुंचा देती है, बल्कि इन्हें तो इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के भीतर से एक काले और तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चट्टान से मिलने वाला तेल जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। वैसे इस पेट्रोलियम के भी बनने की अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से हजारों लाखों साल पहले जब इस धरती पर समय समय पर कई बार विनाशकारी आपदाएं आई, तब धरती पर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए, और हजारों साल तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरह से कंपोज हो गए तब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। हजारों सालों तक दबे रहने के चलते ये प्रेशर व हीट की वजह से ये लिक्विड में बदल गए, और इनमें से बहुत सारे ऐसे सोर्सेस समुद्र के अंदर या फिर जमीन के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने पेट्रोलियम और उसकी क्वालिटी को जान लिया तो कई बड़े बड़े कुओं से ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल होता है। इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीजें होती है। एक बार जब इसे निकाल लिया जाता है तब इस कच्चे तेल को कारखाने में ले जाया जाता है। इस कारखाने को रिफाइनरी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता, और दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहां ये तेल मिलता है। ये पेट्रोलियम जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर मिलता है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जमीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। समुद्र हो या फिर जमीन, असली वक्त लगता है तेल के सोर्स को ढूंढने में। कई बार तो इसमें सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए भी खर्च होते हैं। जो तेल हम तक पहुंचता है उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढती रहती है। जब इस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है तो इसे आसपास के चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सके। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं वैसे ही। लेकिन ये जो ड्रिल होती है वो हजारों फीट नीचे तक होती है। जैसे ही एक बार इस ड्रिल से तेल मिलता है तो उसे पाइप की मदद से तैरती हुई रिफाइनरी तक इसे पहुंचा दिया जाता है। जमीन पर ड्रिलिंग का काम भी कुछ इसी तरह होता है। एक बार जब तेल निकाल लिया जाता है तो इन्हें रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इन्हें रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों की मदद से निकाल ली जाती है। अब ये होता कैसे है? असल में हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, इसलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि हर तेल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसे अलग अलग टेम्परेचर पर उबाला जाता है, क्योंकि इस कच्चे तेल में कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर ही मिलते हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं ये कच्चा तेल भाप बनने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है, और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलते हैं, वहीं 160 डिग्री पर कुकिंग ऑयल मिलते हैं। इस तरह पूरे प्रोसेस से हमें पेट्रोल, डीजल और कुकिंग ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है। एक बार जब हमें पेट्रोल और डीजल मिल जाता है तब इसकी टेस्टिंग होती है कि कितने अपटेन का पेट्रोल मिला है। जितना ज्यादा अपटेन उतना ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। इसके बाद इसे टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां इंडिया में पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर कहीं पेट्रोल से हमारी गाड़ी चलती है। पेट्रोल बनाने का प्रोसेस तो आपने जान लिया, तो ये भी बता देते हैं कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। पहला रीजन तो आपको समझ आ गया होगा, जो है इसे निकालने का खर्चीला प्रोसेस। पेट्रोल और डीजल को निकालने की इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस की वजह से इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ ये तेल सस्ते पड़ते हैं, वहीं जिन देशों के पास ये रिजर्व नहीं होते जैसे कि इंडिया, वहाँ पर इनकी रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे कि वो रिफाइनरी जो समुद्र में ही पेट्रोलियम से डीजल और पेट्रोल बना लेती है वो ज्यादा नहीं, ज्यादातर समुद्र में सिर्फ कच्चा तेल निकालने की ड्रिल मशीन होती है। एक बार जब इस तेल को निकाल लिया जाता है तो इसे
या बड़ी बड़ी रिफाइनरी में ले जाया जाता है। आज दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट भी इस पर खूब टैक्स लगाती है। अपने इंडिया में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 60% से ज्यादा टैक्स लगाती है। इसके अलावा भी पेट्रोल और डीजल की कीमत हमेशा बढ़ती रही, ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि एक बार खत्म हो जाए तो फिर इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे जैसे इनका यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितनी स्पीड से हम इन्हें यूज कर रहे हैं उस स्पीड में दुनिया से 40 से 50 सालों तक तेल खत्म हो जाएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये दोनों ही फ्यूल अपना रोल प्ले करते हैं। किसानों के ट्रैक्टर को लेकर 5-स्टार होटलों के जनरेटर तक डीजल मांगते हैं। कुल मिलाकर डीजल और पेट्रोल आपके पीछे और आप पेट्रोल और डीजल के पीछे हमेशा रहते हैं, इसलिए इस पूरे टाइम को ऑयल एज कहा जाता है। और आज के टाइम में ईरान, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश इसीलिए इतने अमीर है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज इन्हीं के पास है और इनकी पूरी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है। और इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है, वही मिलकर तेलों की कीमतें भी तय करते हैं। एक तरह से तेल की कीमतों पर इनकी मनमानी चलती है। आज भले ही सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी आ गई हो लेकिन इनके भी प्रोडक्शन में कहीं न कहीं इन दोनों फ्यूल का इस्तेमाल शामिल है। इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि अरब जिनके पास खूब सारा तेल है वो इतने अमीर क्यों है। अब आपको पूरी बात समझ आ गई होगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा क्यों है और ये बनते कैसे हैं। अंत में बस यही कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ देखा जाए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्योंकि ये सोर्स जल्दी से खत्म होने वाले सोर्स नहीं है और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। जितनी जल्दी हम इन सोर्सेज को यूज करने की टेक्नोलॉजी बना लेंगे उतनी जल्दी हमें पेट्रोल की कीमतों से और खत्म होने के डर से छुटकारा मिल जाएगा। ये टाइम भले ही ऑयल एज का है लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, आने वाला टाइम इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का होगा। इसलिए जितनी जल्दी हम इसमें आगे निकलेंगे उतना ही हम सुपर पावर बनने की पावर में आगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और जितना हो सके इसे शेयर करें। और अगर आप नए हो तो द मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।